माना हो गया इंस्टेंट, यानी अद्वैत को चाहिए मैगी 2 मिनट में, तो अद्वैत को या अनन्या को या उन्हीं को या सिद्धांत को अगर कुछ भी चीज अच्छी चाहिए तो उनको लगता है कि एक दिन में हो जाएंगी वो, अगर वो एक दिन में नहीं होती तो ऐसा लगता है कि नहीं यार बेकार चीज है छोड़ देते। जैसा कि अभी सिद्धू कराटे को जा रहा है, इज अ वेरी गुड कराटे प्लेयर, पर अगर सिद्धू से ये पूछा जाए कि वो एक दिन में उसने इतने सारे बेल्ट ले लिया है क्या, तो उसका आंसर रहेगा नहीं, वो कंसिस्टेंटली मतलब लगातार मतलब सुसंगता के साथ उसके वो काम करते गया इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ। ये सभी स्टोरी, ये जो वर्ड है ये सब उन स्टोरीज के लिए लागू है जिनके पास तुम्हारे बड़े बड़े नाम है, जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, अल्वा एडिसन हो गए, न्यूटन हो गए, या कोई भी बड़े आदमी का नाम ले लीजिए, उनमें एक चीज कॉमन मिलेंगी आपको, वो है कंसिस्टेंसी, यानी वो हर उस चीज के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं। जैसा कि से फॉर एक्सरसाइज और स्विमिंग और से, जैसा तुमने कोई भी चीज डिसाइड कर ली है कि भैया नहीं अभी इसके बाद से मेरे को सिर्फ 1 मिनट ही टीवी देखूंगा मैं, और अगर उसको तुमने फॉलो किए कि सिर्फ 1 ही मिनट देखना है तो तुम्हारे को चीज़ें भी अच्छी दिखेंगी बाकी सिर्फ चीज़ें भी अच्छी रहेंगी। अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया कि भैया नहीं मेरे को सिर्फ 10 मिनट के लिए एक प्रैक्टिस करनी है कराटे की या फुटबॉल की या टेनिस की या किसी भी चीज़ के लिए, अगर तुम उसमें कंसिस्टेंसी लाए 5 साल तक, ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई भी चीज़ तुम कंसिस्टेंटली 30 मिनट के लिए अगर करो, कितने साल के लिए, हर दिन 5 साल के लिए, तो तुम दुनिया के 5 लोगों में आ जाओगे। पर प्रोवाइडेड क्या है, तुमने वो चीज़ कंसिस्टेंटली चाहिए। अभी अपने साथ क्या होता है बेसिकली कि हम लोग एक चीज़ को हाथ में ले लेते हैं, है ना, हमारे को ऐसा लगता है कि भाई नहीं अभी 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा इसका, और जब वो रिजल्ट नहीं आता तो अपने को लगता है ये चीज़ बेकार है तो हम उसको छोड़ देते हैं। फिर बाद में 5 साल के बाद अगर हम लोग देखते हैं या 1 साल के बाद देखते हैं तो हमारे को लगता है यार वही चीज़ अगर कंटिन्यू कर लिया रहता था तो शायद आज मैं और किसी जगह पर रहता। तो द मैजिक इज विथ कंसिस्टेंसी, यू डू एनीथिंग विथ कंसिस्टेंसी, लाइक यू हैव टू फाइंड अ वर्ड कंसिस्टेंटली, यू फाइंड योर वर्ड एंड आफ्टर 5 ईयर्स यू विल रीच अनदर पोजिशन जब तुम्हारे को समझेगा भी। सो माई फ्रेंड्स, बी कंसिस्टेंट इन वॉट यू डू। थैंक यू वेरी मच।